अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना का सपना अब साकार हुआ और सरकार ने बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश की प्रगति में पंख लगाए हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना का काम अब जल्द शुरू होगा और बुंदेलखंड क्षेत्र में भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और तस्वीर बदलेगी। बीजेपी सरकार ने कागजों में दबी परियोजना को साकार किया है और मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। तो सीएम की ओर से ये तमाम बयान सामने आए हैं और भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान के बड़े बयान सामने आए हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना का सपना अब साकार हुआ, ये बयान सीएम शिवराज की ओर से, और उन्होंने कहा कि सरकार ने बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश की प्रगति में पंख लगाए हैं और केन बेतवा लिंक परियोजना का काम अब जल्द शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना का सपना साकार हुआ है, ये बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश की प्रगति में पंख लगाए। तो आपको बता दें, उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी सरकार ने कागजों में दबी परियोजनाओं को अब साकार किया है और ये बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इन बेतवा लिंक परियोजना का सपना अब साकार हुआ है और इसी के साथ उन्होंने कहा सरकार ने बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश की प्रगति में पंख लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये तमाम बयान सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि इन बेतवा लिंक परियोजना का काम जल्द अब शुरू किया जाएगा और बीजेपी सरकार ने कागजों में दबी परियोजना को साकार किया। मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेषकर हमारे बुंदेलखंड के लिए। वो बिंदु बुंदेलखंड जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, हमने विकास के बाकी सारे तो काम किए लेकिन बुंदेलखंड की धरती को जरूरत थी पानी की। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये केन बेतवा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुंदेलखंड की तस्वीर और भागी जनता की तकदीर बदलने का अभियान है। मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेषकर हमारे बुंदेलखंड के लिए। वो बिंदु बुंदेलखंड जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, हमने विकास के बाकी सारे तो काम किए लेकिन बुंदेलखंड की धरती को जरूरत थी पानी की। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये केन बेतवा प्रोजेक्ट नहीं है,
ये बुंदेलखंड की तस्वीर और भारतीय जनता की तकदीर बदलने का अभियान है। मध्य प्रदेश के लिए